हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एस वीडियो। तो देखो, आज मैं सोयाबीन बड़ी बनाऊंगी। तो देखो, इसके अंदर मैं अभी गर्म पानी डाल देती हूँ। तो देखो, इसको 15 मिनट तक इसे रख दूंगी। और इधर मैं 4 आलू ले लिया हूँ। ये आलू को मैं छिलका निकाल के काट लेती हूँ। तो देखो, सोयाबीन पूरा 15 मिनट हो गया है। मैं अभी इसको निचोड़ के निकाल लेती हूँ। तो देखो, सोयाबीन को मैं निचोड़ लिया हूँ। तो देखो, इधर मैं आलू भी काट लिया हूँ। इधर मैं अदरक, प्याज, लहसुन, अरे हरी मिर्च, अरे टमाटर लिया हूँ। तो मैं अभी अरे इधर मैं थोड़ा गरम मसाला लिया हो इधर। तो देखो, मैं पहले प्याज डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी अभी मैं इसको ग्राइंडिंग कर लेती हूँ। तो देखो, मैं कढ़ाई चढ़ा दिया हूँ। मैं अभी इसमें तेल डालूँगी कढ़ाई गर्म होने से। तो देखो, ये पेस्ट मेरा हो गया है, कढ़ाई गर्म हो गया है। मैं अभी इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल गर्म हो गया है, मैं अभी इसमें इस सोयाबीन को डाल रही हूँ। सोयाबीन को थोड़ा लाल लाल करके फ्राई कर लूँगी। देखो, सोयाबीन मेरा लाल लाल करके फ्राई हो गया है। मैं अभी इसको निकाल लेती हूँ। देखो, सोयाबीन को मैं निकाल लिया हूँ। अभी इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। आलू को भी फ्राई कर लूँगी। तो देखो, मैं आलू को भी डाल देती हूँ। आलू को भी लाल लाल करके फ्राई कर लेती हूँ। देखो, आलू भी लाल लाल करके फ्राई हो गया है। मैं अभी इसको निकाल लेती हूँ। तो देखो, मैं निकाल लिया हूँ। अभी मैं इसमें फिर से तेल डाल रही हूँ। तो देखो, तेल डाल दिया हूँ। तेल गर्म हो गया है। मैं अभी इसमें तेज़पत्ता, जीरा और सूखा मिर्च डाल रही हूँ। ये थोड़ा फ्राई होने से मैं इसमें पिसा हुआ मसाला डालूँगी। देखो, जीरा, तेज़पत्ता, सूखा मिर्च फ्राई हो गया है। अभी मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। जार को धो के थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ। इसमें अभी हल्दी पाउडर डालूंगी, स्वाद अनुसार नमक। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अच्छे से मिला लेती हूँ। इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। देखो, मसाला फ्राई होते होते मैं ये टमाटर को भी पीस लेती हूँ। देखो, मैं ये टमाटर को भी पीस लिया हूँ। तो देखो, अभी मैं इसमें ये टमाटर पेस्ट डाल देती हूँ। अच्छे से मिला लेती हूँ। इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखो, मसाला फ्राई मेरा हो गया है। अभी मैं आलू और सोयाबीन को डाल देती हूँ। इसको 5 मिनट तक इसके साथ फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी अभी इसके साथ 5 मिनट फ्राई कर लेती हूँ। तो देखो, 5 मिनट हो गया है।
मैं अभी इसमें गर्म पानी डाल देती हूँ। आपका हिसाब से आप डालना, आप कितना गाढ़ा रखोगे ये सब डाल देती हूँ। अभी इसको 15 मिनट तक पकाऊंगी। तो देखो फ्रेंड्स, सब्जी मेरा बन गया है। देखो अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, और मेरा चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।